एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो ये है जिस रूम में मैं खड़ी हूँ, ये है किरंदी का स्टूडियो। तो इसको ही हमें मेकओवर देना है अच्छे से। तो मैं आपको एक बार पूरा स्टूडियो दिखा देती हूँ कि ये अभी कैसा दिख रहा है, किस तरह से इसकी कंडीशन है और इसके अंदर क्या क्या करेंगे, ये तो आपको फ्यूचर में पता चलेगा। तो बेसिकली इसके लिए क्या करना है, दो वॉल को पेंट करना है, बिकॉज दो वॉल चाहिए जहाँ पर थोड़ा अलग अलग पेंट हो ताकि उसको दो कलर का बैकड्रॉप मिल जाए। जो ये वाला वॉल है ये किसी और कलर का हो और ये वाला वॉल किसी और कलर का हो, और थोड़ा सा नीट एंड क्लीन जो कि ज़रूरत है क्योंकि अभी तो काफ़ी मेस्ड अप है। चलते हैं फटाफट से पेंट वगैरह लेकर आने के लिए, बिकॉज सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा वाइब क्रिएट करना। सॉरी मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी और पूरा डायलॉग खत्म हो गया। यही होता है कि मैं चार बार रिपीट करती हूँ उसके वीडियो में एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छे से एकदम मीटिंग करेंगे, आजा बैठना। तो रुक जा, बैठ जा, बैठ जा। मानो इज मेकिंग मी फील लाइक कि मैं इसकी क्लाइंट हूँ जो इसको पे करूंगी बाद में, बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला। मानो फील पूरा ले रही है बिजनेस वाला। सो मेरे को प्ले तो करना पड़ेगा इन फ्यूचर किसी ने मुझे हायर कर लिया तो जो स्टूडियो है वो किरंदी को यूज आता है, दिन भर वो उधर ही रहती, तो इसके अकॉर्डिंग सारा काम होना चाहिए। तो बताइए आपको क्या चाहिए, स्टूडियो से क्या वाइब चाहिए। हमें स्टूडियो से एज सच बहुत ज्यादा कुछ वाइब्स नहीं चाहिए। हमें स्टूडियो में एक सिंपल सा एक प्लेन बैकग्राउंड चाहिए, ग्रे वाला, जिसमें मेरी रेगुलर वीडियोस बने। बट कभी कभार मेरा मूड बदल जाए कि मुझे कुछ और भी करना है, मैं दो स्क्रीन में इसलिए देख रही हूँ, भानु भी ब्लॉग कर रही हूँ, मैं भी ब्लॉग कर रही हूँ, दो ब्लॉगर्स इन द सेम हाउस, कुछ उखाड़ा नहीं दोनों ने अभी तक, सिस्टर्स। हाँ तो पॉइंट से भटक जाती है। तो जो मैं बता देती हूँ, इसको तो इतनी कंफ्यूजन पर्सन है, पूरा चैप्टर लिख देगी तब तक भी मेरे को समझ में नहीं आएगा इसको क्या वाइब चाहिए। एज अ सिस्टर आई कैन गाइड हर। सो शी नीड्स अ नीट एंड क्लीन स्टूडियो, मतलब गंदा हो रखा है क्योंकि काफी सारे बॉक्सेस है अनपैक नहीं किए और उनको हटाना है। तरह से भी में बोल लेना, ये दो दीवारें हैं, एक दीवार पर ग्रे चाहिए जिसको बोलते हैं सलेटी। तुम्हें ना कितने ही बड़े डिजाइनर बन जाओ, तुम घर की मुर्गी दाल बराबर ही रहोगे। इंग्लिश में बोल यार, इंग्लिश तो मुझसे कभी नहीं बोलती, अपने व्यूअर्स को इंग्लिश में क्यों एक्सप्लेन कर रही है। तो पुताई के लिए पहला कलर चाहिए ग्रे। ग्रे को क्या बोलते हैं, सलेटी। सलेटी तो पहला सलेटी कलर, दूसरा पिस्ता वाला कलर। तो ये अभी तक मैंने सोचा है और देखते हैं वहाँ पर कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है तो उसको पेंट करेंगे। तो जल्दी से जाती हूँ, नहीं तो ये तो मेरे को बोरी मार देगी, पूरा ब्लॉग ही ऐसे निकाल देगी। बाय। तो पेंट लेने के लिए निकल रहे हैं, तो हम बाहर तो निकल गए। किरण ने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी क्योंकि मैं बहुत अच्छा कपड़ा पहना। ये बताओ ना, बाल खोल के तो मैं आ तो गई पर गर्मी इतनी ज्यादा लग रही क्योंकि अब भी हो दिन के 3 बजे ना, धूप हो रखी है बहुत तेज वाली। अभी वापस से यहाँ पर रुक गए, रुक के चल रहे हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि किरण ने सैंपल्स वगैरह ले रही है अपने कैमरे के, और कैमरा टेस्टिंग तो उसका चलता ही रहता है तो वो कर रही है क्योंकि अभी काफ़ी अच्छी धूप है, धूप वाला वो कुछ होता होगा, टेस्ट करती होगी, वो सैंपल्स ले रही है तो वो ले रही है, और गर्मी लग रही है काफ़ी तेज। तो ये पूरे व्लॉग में यही बोल रही थी कि मैं मैम साहब हूँ, मैम साहब हूँ, पर ये है असली मैम साहब, ऑनर यही है, अमीर है असली मैं, दिखाती नहीं है बस। तो ये है पेंट की शॉप, फाइनली हम पहुँच गए। तो अभी तो स्वेचेस वगैरह डिसाइड करना है कि कौन सा पेंट लेना है, वैसे तो माइंड में है बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। तो ये है सेकंड शॉप और यहाँ पर कलर पसंद कर रहे हैं, बट देखा अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा स्वेचेस में, ये जो दो कलर है इनके अंदर अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है कि कौन सा लेना है। सुना है कम दे रहा होगा क्योंकि पंखा भी चल रहा है ऊपर तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो दो दुकानें तो अभी तक रिजेक्ट हो चुकी है, दोनों पे सैंपल्स मिले नहीं, हम चाह रहे थे कि सैंपल्स मिल जाए ताकि पता चल जाए कि क्या चाहिए। अब तीसरी दुकान को ट्राई करने जा रहे हैं, होप सो यहाँ पर सैंपल्स वगैरह सब मिल जाए। तो ये है थर्ड शॉप, 3 दुकान रिजेक्ट करने के बाद फाइनली डिसाइड किया कि आज तो पेंट नहीं लेंगे क्योंकि मिला ही नहीं, तो पेंट तो मिला नहीं, वापस आ गए सोसाइटी के अंदर, कुछ भी नहीं हो पाया काम। पोकट इतना अच्छे से रेडी होकर गई थी, तो उस दिन तो हमें पेंट मिला नहीं था, तो जो पुराना पेंट पड़ा हुआ था हमारे पास ग्रे कलर का, तो वही कर रहे हैं। और यहाँ पर ये सब खराब हो रखा था तो ये फिल कर रहे हैं, मतलब करना किरण दीदी को था ये सारा काम, मैं तो बस ऑर्डर मार रही थी, इंटीरियर डिजाइनर बन रही थी यहाँ पर, और जो होता है ना इंटीरियर डिजाइनर, वो कोई भी डिजाइनर बन रही। कैसे बोल रही है यार, देखो अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की, नहीं तो बैठी रहती घर में
मिर्ची को ड्रॉ करती रहती, कम से कम यहाँ कुछ तो कर रही है, अपना शोकेस तो कर रही है। एक काम कर, मैं ना इस बिल्डिंग में जाती हूँ, वही तो बात है, छोटे छोटे कामों से इंसान सीखता है। मैंने जब कॉलेज में थी, मैंने सोचा था कि मैं ऑर्डर दूंगी, काम करवाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं होता। अब इतना लगाने के बाद भी अगर तू गिरा रही है मेरी माता, तो फिर क्या मतलब आया? और ये डांट भी ऐसी मुझे, वो मेरे को बोल रही है कि पहले मेरे को शूट कर ले ताकि फिर मैं चली जाऊंगी, क्योंकि सिर्फ उसको प्रोसेस दिखाना है और ये बताना है कि किरण दीदी मुझसे कितनी मेहनत करवा रही है। बोल, ये सच है या नहीं? ये सच नहीं है, मैं तो वीडियो के लिए कर रही थी। हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि वीडियो के लिए कर रही है। सब वीडियो के लिए होता है, वीडियो के लिए नहीं है। पेंट बता पेंट वीडियो के लिए, लेकिन वीडियो के लिए, ब्लॉग के लिए। यार भानु, तो पूरा दीवार ऐसा जहाँ पे मेरे पहुँचने वाली जगह वहाँ सब जगह हर तू कर देगी, फिर मेरे को सीढ़ियाँ लगा लगा करना पड़ेगा। ये तो मेरा प्लान था यार, क्या मजा आ रहा है किरण जी। भानु हट जा। वैसे से पूरा दीवार है, मैंने अभी तक भी नहीं किया। पिछली बार भी जब दीवार थी तो इसने मुझे पेंट नहीं करने दिया था कि मैं खराब कर दूंगी, और देख एक बार में पूरी दीवार खत्म कर दी यार। तू तो बाय बर्थ पेंटर पे दो। यार हट जा भानु यार। कौन सी ऐसी बहन है जो रोती रहती है दिन में? वो भी पेंट के लिए। बहुत ज्यादा मेहनत कर ले ब्रो, शक्ल देखिए इसकी, मतलब एक हल्का सा पैच करके ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई जंग जीत कर आई है। मैंने आधी दीवार पेंट करी, तो मतलब ये ऑलमोस्ट दीवार कंप्लीट होने वाली है, थोड़ी बहुत और बाकी है जो कि हो जाएगी। काफी फटाफट सारा काम हो चुका है ये। हाँ, तो क्रेडिट गोज टू मी, शक्ल देखो इस। जिसके दिमाग में आइडिया होता है ना, क्रेडिट उसको जाता है ना, उसके उसको जाता है जो तो आइडिया को लेके बैठी रहती है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, कुछ ज्यादा एक्सजरेट करके। हाँ, वैसे ही किया इसने, बहुत मुश्किल। सो फाइनली ये वाली दीवार कम्प्लीट हो चुकी है। दीवार इतनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है, अभी पूरी कंप्लीट हो गई, बहुत प्यारी दिख रही है, सब कुछ कंप्लीट हो गया, क्लीनिंग बाकी है।